नमस्कार, एबीपी गंगा का डिजिटल बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मण। चमोली से पहली खबर के साथ आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भराड़ीसैंण में विधानसभा बजट सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बृहस्पतिवार को मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने भराड़ीसैंण में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सत्र की तैयारियों को लेकर स्थलीय निरीक्षण करते हुए समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देशित किया कि समय से सत्र की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। भराड़ीसैंण में आगामी 13 से 18 मार्च तक विधानसभा बजट सत्र होना है। जोशीमठ में आपदा को अवसर में बदलने वाले नेपाली मूल के अभियुक्तों को जोशीमठ पुलिस ने हिरासत में लिया है। जोशीमठ में माउंट व्यू होटल के नीचे स्थित कॉलोनी में बीते कुछ दिनों से खाली करवाए गए आपदा प्रभावितों के मकानों से बिजली के तार, स्विच बोर्ड, पानी की टोंटी सहित घरेलू सामान रात्रि में चोरी होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। चमोली के एसपी परमेंद्र डोभाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए जोशीमठ कोतवाली को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर नेपाली मूल के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों से चोरी किया गया माल बरामद करने के बाद अभियुक्तों को आज न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। तीसरी खबर नंदानगर से है। धामी सरकार के द्वारा नकल विरोधी कानून पास किए जाने पर नंदानगर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नंदानगर बाजार में रैली निकालकर जश्न मनाया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष बलवीर रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं के हित को देखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। चौथी खबर चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर से है। बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक राजेंद्र भंडारी ने गोपेश्वर नगर क्षेत्र में हल्दापानी वार्ड के विकास नगर मोहल्ले में जाकर भूस्खलन प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां लोगों के घरों पर आ रही दरारों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को विकास नगर मोहल्ले के नीचे हो रहे भूस्खलन का तत्काल ट्रीटमेंट का कार्य शुरू करवाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।